पीएम मोदी ने विश्व समाज को दिया हिंसा का रास्ता अपनाने का संदेश। कहा, भारत चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ रहा है। भगवान बसवेश्वर की जयंती पर पीएम ने देश से कहा, मजबूत संकल्प लें, आत्मविश्वास, मुश्किलों से भारत को बाहर निकलेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। लॉकडाउन 2 के ताजा हालात और बाद के कदम पर चर्चा संभव। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने दूसरी बार मन की बात की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को महायज्ञ बताया, देश के नागरिकों पर गर्व जताया। मोदी ने कहा, सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया है, वेबसाइट से अब तक 1.25 करोड़ लोग जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई में स्थानीय प्रशासन की भूमिका को अहम बताया। 33 करोड़ गरीबों को 31,235 करोड़ रुपए दिए गए। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के दौरान रेलवे की भूमिका की तारीफ की। कहा, रेलवे के साथ ही लॉकडाउन में लगातार कर रहे हैं मेहनत, 100 से भी ज्यादा पार्सल ट्रेनें चल रही हैं। पीएम मोदी ने रमजान को संयम, सेवा और धैर्य का प्रतीक बताया। कहा, रमजान में पहले से ज्यादा इबादत करें, जिससे ईद से पहले कोरोना से मुक्ति मिल जाए। परशुराम जयंती पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी, ट्वीट के जरिए देशवासियों को बधाई दी। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 26,917 हुई। कोरोना की वजह से अब तक 826 की जान गई। देश में इस वक्त कोरोना के 20,177 एक्टिव केसेस, कोरोना के 5,914 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल कंफर्म केसेस 2,625, अब तक 54 लोगों ने जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया, कोरोना से लड़ाई की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, दिल्ली में जारी रहेगा लॉकडाउन, कोई छूट नहीं रहेगी, केंद्र के आदेश पर दुकानें भी खुलेंगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, 27 अप्रैल को लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लेंगे, दिल्ली में डीडीए मार्केट, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। केजरीवाल ने कहा, खोली जाएंगी रिहायशी इलाकों की दुकानें, कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी कोई दुकान। केजरीवाल ने कहा, 3 मई तक लॉकडाउन में ढील नहीं, केंद्र के फैसले के बाद ही लॉकडाउन पर फैसला होगा। सीएम केजरीवाल की दिल्ली के लोगों से अपील, नहीं होनी चाहिए हिंदू मुसलमानों में दीवारें, प्यार मोहब्बत से लड़ेंगे तो कोरोना को हरा देंगे। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में अब तक कोरोना की चपेट में 40 स्टाफ, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। दिल्ली का हिंदू राव हॉस्पिटल फिलहाल सील, हॉस्पिटल की एक नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फैसला। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,843 मरीज कंफर्म, राज्य में अब तक 29 लोगों ने जान गंवाई। पूरे उत्तर प्रदेश में 402 इलाके हॉटस्पॉट में बदले। लॉकडाउन तोड़ने पर अब तक 31,000 गाड़ियां भी जब्त की गई। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के आज 3 नए केसेस सामने आए, कुल पॉजिटिव संक्रमितों की तादाद 115। कोरोना को लेकर गौतम बुद्ध नगर से राहत की खबर, जिम्स हॉस्पिटल में 8 कोरोना मरीज रिकवर हुए, सभी को डिस्चार्ज किया गया। कानपुर में एक साथ 20 पॉजिटिव केस, 20 में से 13 महिलाएं पॉजिटिव, कुल केसेस 185। गोरखपुर में 3 महीने की बच्ची ने कोरोना को मात दी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज से बच्ची को डिस्चार्ज किया गया। आगरा में कोरोना के अब तक 371 केस, जिले में 9 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ के केजीएमयू में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत, कोरोना को हराने वाले डॉक्टर तौसीफ खान बने सबसे पहले डोनर। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,068 केस की पुष्टि हुई, राज्य में अब तक 342 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में आज 19 लोगों ने दम तोड़ा, अकेले मुंबई में मौत का आंकड़ा 204 पहुंचा। मुंबई में कोरोना का ग्राफ 5,407 तक पहुंचा, 281 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में आज 34 नए मरीज सामने आए, अकेले धारावी में टोटल 275 केस। नागपुर में भी सामने आए कोरोना के 17 नए केस, सभी लोग एक ही इलाके के रहने वाले, कुल कंफर्म केसेस 124। मुंबई में 31 पत्रकारों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेजा गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के बाद भेजा जाएगा उनके घर, केंद्र से बातचीत जारी। उद्धव ने कहा, कोरोना से हिंदुस्तान आत्मविश्वास के मुंह पे जीतेगा। कोरोना जंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार की तारीफ की, कहा डरना नहीं है, मिलकर लड़ना है। मोहन भागवत ने पालघर की घटना पर सवाल उठाए, पुलिस एक्शन को लेकर भी जवाब मांगा। एमपी में कोरोना का ग्राफ 2090 तक पहुंचा, मौत का आंकड़ा 103, आज 4 लोगों ने जान गंवाई। इंदौर में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,176, अरविंदो मेडिकल कॉलेज से आज प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत। राजस्थान को जोधपुर में आज कोरोना से 60 साल के बुजुर्ग की मौत हुई, राज्य में मौत का आंकड़ा 36, टोटल 2,152 केसेस कंफर्म। इंडिया टीवी से बातचीत में राजस्थान के सीएम का बयान, कहा राजस्थान के लोग मिलकर मुकाबला कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले राज्य में कम मृत्यु दर। राजस्थान में 5,000 टेस्ट हो रहे हैं रोजाना, मरने वालों में 22 लोग ज्यादा उम्र के हैं, केस डबल होने का रेट भी कम। सीएम गहलोत ने कहा, भीलवाड़ा मॉडल के आधार पर कोरोना से जंग जारी, कल पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राजस्थान में 14 अप्रैल के बाद कोरोना संक्रमण पर काबू पाया गया, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने जानकारी दी। गुजरात में कोरोना के कुल 3,301 केसेस कंफर्म, अब तक 133 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में अकेले अहमदाबाद में कोरोना के 2,181 मामले कंफर्म, 24 घंटे में 178 नए केस, 84 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद के भीमजापुर में
दुकानें खुली, कंटेनमेंट जोन और शॉपिंग मॉल के अलावा दुकानें खुली दिखाई दी। सूरत में हॉटस्पॉट लिंबायत में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने के आरोप में 25 लोग हिरासत में। बिहार में कोरोना के मामलों में तेजी जारी, 4 नए मामले सामने आए। राज्य में 259 लोग वायरस से संक्रमित। झारखंड में आज कोरोना के 9 नए मामले सामने आए, कुल 82 केस कन्फर्म। रांची, बोकारो, हजारीबाग और सिमडेगा में 13 पॉजिटिव ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में 461 एक्टिव केसेस कन्फर्म, 24 घंटे में 40 नए मामले। राज्य में अब तक 20 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर बिप्लव कांति दास गुप्ता को शहीद घोषित करने की मांग की गई, कोरोना की वजह से मौत हुई थी। चंडीगढ़ में कोरोना के 6 नए मामलों की पुष्टि, अब तक 36 लोग कोरोना से संक्रमित। कर्नाटक में कोरोना के 4 नए केस सामने आए, राज्य में संक्रमितों की संख्या 504, अब तक 19 की जान गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81 नए केस, राज्य में मरीजों की संख्या 1097। केरल में कोरोना के 11 नए केस, राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद 468। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1885 पहुंचा, 64 नए मामले सामने आए, अब तक 24 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 523 पहुंचा, 27 और केसेस सामने आए। बिहार के लखीसराय में दरोगा पर सदर CDPO और ड्राइवर से भिड़ने का आरोप, लॉकडाउन में बदसलूकी का वीडियो वायरल। मुंबई में एम्बुलेंस की मांग करने वाले कोरोना पीड़ित पुलिस कर्मी का वीडियो सामने आया, केईएम हॉस्पिटल से कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट होना चाहता था कांस्टेबल। महाराष्ट्र में बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कांस्टेबल को एम्बुलेंस न देने पर आरोप लगाया, कहा योद्धा की तरह काम करने वाले पुलिस कर्मियों का सरकार ध्यान रखे। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 198 लोगों को रोका, पैदल ही जा रहे थे यूपी के ललितपुर। शिमला में फंसे कश्मीरी मजदूरों को शिफ्ट किया गया, बस से सभी को उनके घर के लिए रवाना किया गया। कोटा में फंसे जम्मू कश्मीर के 376 छात्र घर लौटेंगे, दूसरे इलाकों में फंसे छात्रों को भी भेजने की तैयारी। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने गुजरात के मुख्यमंत्री से की बात, गुजरात में फंसे मजदूरों को उड़ीसा लाने की तैयारी पर चर्चा। पटना में आज तेज प्रताप यादव ने सद्बुद्धि यज्ञ कराया, सीएम से दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग की। कोरोना केस बढ़ने पर सोनीपत दिल्ली बॉर्डर 3 मई तक सील, सोनीपत के डीएम ने आदेश जारी किया। गुरुग्राम में रुके हुए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को शुरू करने की इजाजत मिली, हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट को बड़ी राहत दी। गुरुग्राम में MNC और BPO के कर्मचारियों को जुलाई तक वर्क फ्रॉम होम करना हो सकता है, हरियाणा सरकार ने सीनियर अधिकारियों के हवाले से खबर दी। गाजियाबाद में ट्रक माल ढोने वाली गाड़ी, बैंकिंग और मेडिकल सेवा से जुड़े वाहनों को राहत, डीएम ने बॉर्डर पर गाड़ियों को ना रोकने का आदेश दिया। मुंबई के भाईखला इलाके में लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने मार्केट बंद कराई, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। कोरोना संकट पर बोले CDS विपिन रावत, सब्र बनाए रखना जरूरी, बेसब्र होने का समय नहीं। विपिन रावत ने कहा कोरोना ने बहुत सीमित संख्या में तीनों सेनाओं को प्रभावित किया, अनुशासन और धैर्य ने खतरे को फैलने से बचाया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में प्रशासन का खास अभियान, लॉकडाउन की वजह से फंसे 15 प्रवासी मजदूर बना रहे हैं बांस के रिलीफ कैंप। प्रवासी मजदूरों को वन विभाग ने मुहैया कराए बांस और दूसरा सामान, 500 रुपए रोजाना कमा रहे हैं प्रवासी मजदूर। मध्य प्रदेश में कोरोना से जंग लड़ने वाले जांबाज सिपाही देवेंद्र सिंह बने, किडनी खराब होने और रिटायर होने के बावजूद काम पर लौटे इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर। दिल्ली के तिलक विहार इलाके में एक हॉस्पिटल के मरीजों ने जमकर डांस किया, कोरोना संक्रमित साथी मरीजों का भी हौसला बढ़ाया। दिल्ली के कालकाजी इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच एक जोड़े की शादी कराई, पुलिस की जिप्सी में दुल्हन की विदाई की गई। कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया में अब तक 2,03,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, बीमारी की चपेट में 28 लाख से ज्यादा लोग। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 54,000 के पार, 9,65,000 के करीब कन्फर्म केसेस की संख्या। UK में कोरोना वायरस से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा, सरकार ने कहा पूरी दुनिया के लिए कोरोना से निपटना बड़ी चुनौती। कोरोना वायरस से इटली में पिछले 24 घंटे में 415 लोगों ने जान गंवाई, 2,357 नए केस सामने आए, अभी तक 26,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में लॉकडाउन के बीच मनाई गई लिबरेशन डे की 75वीं सालगिरह, बालकनी से खड़े होकर लोगों ने ताली बजाई, गाना भी गाया। स्पेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 378 लोगों की मौत हुई, 2,944 नए केस सामने आए, मौत का आंकड़ा 23,000 के करीब। कोरोना पर WHO की नई चेतावनी, कहा ठीक हो चुके लोगों को दोबारा संक्रमण नहीं होने के सबूत नहीं। भारत ने बांग्लादेश को मदद भेजी, 50,000 सर्जिकल ग्लव्स और 1,00,000 हाइड्रोक्लोरोक्वीन टैबलेट की दूसरी खेप भी बांग्लादेश पहुंची। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोरोना के से जंग के लिए लॉन्च किया ट्रेसिंग मोबाइल ऐप, कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने पर सूचना देगा ऐप। 3 हफ्ते के कंप्लीट लॉकडाउन के बाद दुबई में लोगों को राहत, शुरू की गई मेट्रो सेवा। विदेशों में फंसे नीदरलैंड के 25 छात्र 60 मीटर की नाव के सहारे देश लौटे, हालिगन पोर्ट पर छात्रों का जोरदार स्वागत हुआ। इसराइल में 6 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद सैलून भी खुले, कोरोना संकट के बीच सरकार ने थोड़ी राहत दी। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की ट्रेन की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, बीमार किम को लेकर लगाए जा रहे हैं कई कयास।
सीबीआई ने बैंक घोटाले के आरोपी कपिल और धीरज वाधवान को कस्टडी में लिया। सतारा से दोनों को मुंबई लाया जाएगा। भोपाल में दृष्टिहीन महिला के रेप और लूट के आरोप में एक शख्स गिरफ्तारी। गिरफ्तार शख्स से लूट का सामान भी बरामद। बिहार के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 12 की मौत। नीतीश सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। बेमौसम बारिश पर यूपी के सीएम ने सभी डीएम को आदेश दिया। कहा फसल खराब होने का आकलन किया जाए। बिजली गिरने से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख की मदद। महाराष्ट्र के जलगांव के इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शिमला के दुघियानी गांव में भीषण अग्निकांड। 10 घर जलकर राख। 80 साल की बुजुर्ग महिला की जान गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आर्मी कैंप के पास आग लगी। जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के 7,000 टेली वर्कर्स को सलमान खान ने मदद दी। दूसरी बार अकाउंट में पैसे भेजेंगे सलमान खान।